हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद जय। और आज की मेरी रेसिपी है ब्लैक पॉम्फ्रेट फिश करी, जिसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले फिश को अच्छे से सफाई कर लेता हूँ। तो इसको सफाई करने का तरीका आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको अच्छे से सफाई कर लेना है और फिर इसको अच्छे से कटिंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे फिश को कटिंग कर रहा हूँ। ये कटिंग करना एकदम आसान है और इसको आप घर पे भी कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्लैक पॉम्फ्रेट फिश को मैं कटिंग करके फिर इसको फ्रेश वाटर से अच्छे से धो लूँगा। मेरा फिश कटिंग हो गया है और अब मैं इसको अच्छे से फ्रेश वाटर से धो करके यहाँ पे मैं करी बनाने के लिए तैयारी कर रखा हूँ। करी बनाने के लिए मुझे आज चाहिए अदरक लहसुन की पेस्ट, खड़ा मसाला, गरम मसाला, धनिया, ये ग्रीन मसाले में, और पाउडर मसाले में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, हल्दी और नमक। तो करी मैंने यहाँ पे बना ली है और करी बनाने का तरीका आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, उसमें भी मैं फिश करी का जो तड़का लगाने का जो तरीका है वो बताया हूँ। तो यहाँ पे मैं फिश डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगा और 5 मिनट में मेरा फिश रेडी हो जाएगा। तो आज का जो मेरा किचन वर्क था ब्लैक पॉम्फ्रेट फिश करी, वो एकदम तैयार है और अब मैं इसको प्लेटिंग करूँगा। टेस्टी और स्पाइसी पॉम्फ्रेट फिश करी का जायका एकदम खुशबू दे रहा है और अब ये खाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे इसको आप रोटी के साथ या चावल के साथ ले सकते हो। ब्लैक पॉम्फ्रेट फिश खाने में एकदम टेस्टी और इसका टेस्ट